जो 21 अगस्त को प्रदर्शन हुआ था रविदास मंदिर को लेकर, उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आज एक बड़ी खबर है कि 25 लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो मंदिर की स्थापना का मामला हो या बच्चों की जमानत का मामला, उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ श्री जंतर मंतर से, जहाँ जो संत समाज है, रविदास समाज के लोग हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए संत रविदास जी की मूर्ति है और लगातार सब कुछ बातचीत आगे बढ़ी। आप गृह मंत्रालय से आए थे, वो पूछ रहे थे आपकी क्या डिमांड है। हमने उसको बोला कि हमारे जो 96 नौजवान है उसको रिहाई कर दो, जो महाराज का मंदिर है उसकी वहाँ सारी की। देखिए ये समाज भी क्या कोई बातचीत बढ़ रही है आगे सरकार से। आप सरकार से कोई जानकारी मिली है? अभी तो कोई नहीं मिली है। संत समाज के लोग जो बैठे हुए हैं, महिलाएं रहे और जनता सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਤਾ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇ, ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਏ ਸਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਕੇ ਅਭੀ ਕਾਰਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਮਰਾਟ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋ ਲੇਕਰ? ਅੱਜ 25 ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ और हम सुबह वहाँ गए, आर्गूमेंट की, तो 25 की 25 बेल हमारी ग्रांट हो चुकी है। और हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन में जो 96 लोग हैं सब लोगों की हो जाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद की की अभी लगाएंगे हम बेल, तो पहले उनका जैसा वादा था कि पहले सब लोगों की हो जाएंगी, 95 लोगों की, उसके बाद मैं लगाऊंगा, तो उनका वादा अभी तक पूरा है। तो हम कामयाब हुए हैं आज और हमें न्याय मिला है न्यायालय से, 25 लोगों की जमानत। और अभी 96 लोग हैं सर संख्या है, और बाकी लोग का क्या? बाकी लोगों क्या लगा रहे हैं? आज लगा रहे हैं हम, लोअर कोर्ट में लगा देंगे, तो हमें उम्मीद है कि कल हो जाएगी, उसकी परसों हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर हैं। तो आज 25 लोगों की जमानत हुई? जी जी, 25 लोगों की जमानत। मैक्सिमम लोग तो हरियाणा से गिरफ्तार हैं, हरियाणा से, कुछ इनमें हरियाणा के भी हैं और कुछ पंजाब के लोगों की भी जमानत हुई है, कुछ एक दो उत्तर प्रदेश के, एक दिल्ली का लड़का है और दो वहाँ के हैं मध्य प्रदेश के। तो ऐसे हमने कुछ जो नीचे जिनकी लोअर कोर्ट में खारिज हुई थी, तो उनकी 25 बेलों लगा जी। कब तक उम्मीद है जमानत मिल जाएगी बाकी लोगों की? बाकी लोग 2 दिन में, 2-3 दिन, 2-3 दिन मिल जाएगी, बिल हफ्ते में, बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर है, और कुछ बताना चाहेंगे देश को? मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों की जमानत हुई है तो उनके लिए जमानती चाहिएगा, तो आप लोग जमानती की भी कोशिश करें कि जो लोग वॉलंटरी जमानती देना चाहते हैं जमानती दें, जिससे कि वो इसीलिए आज़ाद निकल जाए। बेल सब लोगों की हो जाएगी। आप लोग जो दिल्ली वाले लोग हैं और जो मेरे को सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास में है, तो आप जमानती के लिए भी तैयार रहें। और बेल हो चुकी है, सब लोगों की जल्दी से जल्दी बेल हो जाएगी। देखिए वकील साहब सम्राट बहुत लगे हुए थे सर, जमा आए नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जमानत मिल गई है, प्रोटेस्ट लगातार चालू है। सीरीज जी है मेरे साथ, सीरीज भाई, 25 लोगों को जमानत मिली है। चंद्रशेखर भाई ने कहा था कि जब तक जमानत नहीं लेंगे जब तक सब भी जमानत देते, आपको क्या निर्देश है? देखिएगा, उन्होंने यही कहा था हमसे कि जब तक हमारा एक एक भाई बाहर नहीं आ जाता, जब तक हमारी जमानत न लगाई जाए। और हमारे सूजी सम्राट जी हैं और लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, एडवोकेट पराचा जी हैं, सब लोगों ने मेहनत की है, उसका परिणाम निकला है और कोर्ट ने हमारी सुनी। ये हम धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि उन्होंने सही बात सुनी। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति हमारे संत लोग हैं जो भी ये निर्णय करेंगे, इनके हाथ में है, जो भी भीम आर्मी के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं। चलिए, तो ये सिरीश भाई थे जो लगातार भीम आर्मी को देख रहे हैं, और 25 लोगों को आज हाई कोर्ट से जमानत मिली है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जंतर मंतर पर जो लगातार प्रोटेस्ट है वो चालू है, और संत समाज जो है वो लगातार धरने पर बैठा हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको सीधे दिल्ली से, जहाँ जो रविदास घर तोड़ा गया है उसको लेकर प्रोटेस्ट जारी है और संत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 लोगों को जमानत मिल गई है। सर आप क्या कहेंगे, क्या क्या लग रहा है कुछ? सर मैं जसी तलन जलंधर से, पंजाब प्रधान गुरु रविदास टाइगर फोर्स, आज जो दिल्ली में लगातार 5 तारीख से जो मानवर्त श्री गुरु रविदास साधु संपदा सोसाइटी के पंजाब प्रधान संत कुलवंत राम जी ने रखा था, आज लगातार चल रहा है। पर आज DCP साहब भी आए थे, भी वो भी कह रहे थे इतने दिन की परमिशन हम जंतर मंतर पे दे नहीं सकते, तो हमने कहा भी किसी और बताओ स्थान पे जहाँ पे हमने लगातार
लगातार, क्योंकि आज 9 तारीख पे कह रहे हैं अभी 25 जनों की आज जमानत होगी, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है और हमने प्रण लिया है अभी 18 तारीख तक जरा अक्टूबर तक यहीं रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट हमें जो गुरुगर जो स्थान है जो वापस नहीं देती। संतों ने भी यही कर पर पुलिस प्रशासन हमें जो परमिशन है वो जहाँ की देने का इनकार कर रही है। तो देखिए ये लगातार प्रोसेस चालू है, 25 लोगों को जमानत मिली है लेकिन 96 लोग गिरफ्तार थे, अभी भी 50 से ज्यादा लोग बहुजन समाज के जेल में, जिसको लेकर प्रोटेस्ट जारी है। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दर्पण, जंतर मंतर, दिल्ली।